यूपी में बीजेपी की जीत के साथ ही बुलडोजर एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। सीएम योगी का बुलडोजर हिट हो गया है और जीत के जश्न में कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर रैलियां निकालनी शुरू कर दी है। इन रैलियों में बीजेपी के समर्थक सीएम योगी को बाबा बुलडोजर के रूप में संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं। दरअसल चुनावी रैलियों में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए उन्हें बाबा बुलडोजर कहकर संबोधित किया था। हालांकि अखिलेश यादव का ये बयान सीएम योगी को चिढ़ाने के बजाय उनके फेवर में ही चला गया। योगी आदित्यनाथ और भाजपा ने इसे जनता के सामने पॉजिटिव रूप में रखा और बुलडोजर को माफियाओं और गुंडों को खत्म करने वाला यंत्र बता दिया। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बुलडोजर की चर्चा जमकर हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार भाषणों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। एक रैली में उन्होंने कहा था, हमारे पास एक विशेष मशीन है जिसका उपयोग हम एक्सप्रेसवे और राजमार्ग बनाने के लिए कर रहे हैं, साथ ही हम इसका इस्तेमाल माफियाओं को कुचलने के लिए भी कर रहे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति बनाने के लिए लोगों का शोषण किया है। योगी की कुछ रैलियों में तो बुलडोजर भी लगा दिए गए थे जिसकी चुनाव के दौरान खूब चर्चाएं हुई थी। विपक्ष ने जिस बुलडोजर को बीजेपी के शासन की विफलता का प्रतीक बताया था, उसी बुलडोजर ने बीजेपी को आगे निकाल दिया और जीत हासिल करवाई। शायद यही कारण है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अब बुलडोजर पर चढ़कर रैलियां निकाल रहे हैं। अब बीजेपी की चार राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद चारों तरफ बुलडोजर बाबा की चर्चा शुरू हो गई है। योगी बाबा का बुलडोजर यूपी का एक्स फैक्टर बन गया है। जीत की खुशी में यूपी के तमाम जिलों में बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर रैलियां निकालनी शुरू कर दी है और जीत के जश्न के बीच बुलडोजर बाबा की जय के नारों से यूपी गूंज उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।